हे गाइस, तो आप देख ही सकते हैं यार, इस समय यार मैं कहाँ हूँ, एकदम अंधेरे में, मेरे बैकग्राउंड में एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। तो समझिए मैं इस समय कार में बैठा हूँ, और भाई कसम से जहाँ पे आया हूँ बाहर इस समय कुल भी नींद नहीं आ रही। भाई मैं कार में बैठ के गाने सुन रहा था, फिर मूवी देखने लगा था। एरिया में थोड़ा गाँव टाइप का है, तो वहाँ पे नेटवर्क की बहुत इशू है, तो पबजी भी नहीं खेल पा रहा था। तो मैंने अमेजोन पे जो मूवीज जो पहले जो डाउनलोड करी थी वही मैं देख रहा था। 2 दिन से सही से बिल्कुल नींद नहीं आ पा रही भाई, कसम से बज रहा है 5। और देखते हैं कि गाँव में तो भाई सब लोग है जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी यार चाय पीने का मन कर रहा है, मैं चाय कैसे बनाऊं, क्योंकि रिश्तेदारों के घर आए हो तो चाय मैं खुद बना नहीं सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में सुबह होती है, 5 तो बजे गए, सुबह हो ही गई है। मतलब थोड़े और उजाला होता फिर हम गाड़ी से जाएंगे, थोड़ा चाय भाई पी के आएंगे बाहर। तो दोस्तों ये देखिए मेरी गाड़ी इस समय खड़ी है, पूरा ओस जमा है गाड़ी में, इतनी कोहरा है। और बगल में देख सकते हैं फॉग ही फॉग, इतना सारा फॉग है भाई, कसम से मजा आ जाएगा। तो मैंने पूरी अच्छे से साफ कर दी है, और बगल मेरा छोटा भाई भी खड़ा है। ठंड है, बहुत ही कोहरा है इस समय। गांव में भाई आओगे तो यही होगा, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं बड़े लोग, तो वहाँ पे आग ताप रहे हैं। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। देखिए अंदर क्या चल रहा है, चाय वाय मिलेगी नहीं? माँ 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 कहाँ हो? अच्छा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चाय दे दो बुआ जी। पापा दे दीजिए। दोनों लोगों ने पापा बुलाए नहीं। पापा क्यों बुला ले? चाय पी ले दोनों लोग। बाहर ही दे आएंगे ना, तो बन जाए तब बुला दीजिए। तो बनी चाय बनी रखी है। बन गई? हाँ, हाँ, बुला ले। स्कूल गर्ल तैयार हो गई? देखो ब्लॉग में तो सब आओगे, वहाँ पे काजल दीदी पढ़ाई कर रही है, पुनीत भाई जो क्या कर रहे हो भाई? लूडो खेला जा रहा है सुबह सुबह, और साथ में मूंगफली भी खाई जा रही है। आज एग्जाम है इनका, मेरे सामने तैयार हो रही है। कौन सा एग्जाम है? मूंगफली खा लो। खा लेंगे अभी थोड़ी में जब चाय मिलेगी। तो हम जरा पापा बुला के आते हैं। तो दोस्तों यार इस समय हम लोग अकेले नहीं जा रहे थे, बगल में देख सकते हैं पीछे। हेलो, हाय। तो इन लोग को हम लोग ड्रॉप भी करने जा रहे, क्योंकि मैं 12 बजे निकल जाऊंगा अपने टाइम से, तो सोचा थोड़ी सी बातें आते हो जाए, टाइम स्पेंड कर ले रहे हैं। अब अभी काजल दीदी गई हैं, वो अभी आ रही हैं। तो दीदी तो इस समय घर गई, वो देखो दौड़ के आ रही हैं, मतलब दौड़ के नहीं चल के आ रही हैं। तो इन लोगों को जरा ड्रॉप करेंगे और थोड़ी बहुत बातें और करेंगे, फिर जाएंगे हम अपने घर नहा धो के। फिर आपको एक तगड़ा सा एक और नया वीडियो आ रहा है। तो ये हम लोग आ चुके हैं स्कूल पे इन दोनों को छोड़ने, वो भी 40 मिनट पहले। 40 मिनट पहले हम लोग थोड़े जल्दी आ गए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सब लेट पहुंचे, आज इन लोग का एग्जाम है। अंदर भी जाने देंगे क्या? हाँ, वो तो कुछ नहीं देते। अरे वाह, अंदर ना। बड़े दिनों बाद 2 साल बाद अपने स्कूल में जा रहा हूँ, अपने नहीं। हाँ, क्या असेंबली, असेंबली। क्लास कौन सी है? ये देखो 40 मिनट पहले आने का ही होता है यार। कूद के निकल जाते हैं, जाली लग गई है अभी थोड़ी देर, फिर सब निकल जाते हैं। अच्छा गली बगल, वाह खुली नहीं है क्लास, हम बोल रहे जाके इजी। ओ तो आज स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे गोलू ब्लॉग। यहाँ लिख दो स्केच, यहाँ पे मैं जाते जाते लिख के जाता गोलू ब्लॉग्स। तो हे गाइस, तो यार इस समय यार हम लोग निकल चुके हैं, और हमारे साथ इस समय हमारे उपा जी, और पीछे हमारे आशीष अंकल बैठे हैं, और हमारा छोटा भाई अर्पित, और हमारे दोस्त पुनीत भाई। कहाँ दिख रहे हो? तो इस समय यार हम लोग एक नया कंटेंट और थंबनेल आपने देख लिया, और भाई कसम से भाई ये पहली बार मैं करने जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं अंदाजा था कि ऐसा सीन हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा, वो क्लच प्लेट चली जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, भाई मुझे खुद नहीं पता, मैं पहली बार ये वीडियो आ रहा है मेरे पास, मतलब मेरे चैनल पे। तो फूफा जी क्या लगता है, हो गई? खींच पाएगी? हाँ खींच लेगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच भी गए, देख लीजिए। जेसीबी तो नहीं दिख रही? जेसीबी अभी दिखेगी। भैया आपको नहीं खींचना है, पता चला आप गाड़ी लेके चले जा रहे हैं। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे I-20 रेडी हो रही है, और ये रहा जेसीबी, यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, नीचे लग रहा है। मशीन न्यूट्रल लगाई हो, गियर मत लगाई हो। यहाँ पे पूरी तैयारी है, हमारे जो फूफा जी है वो गाड़ी चलाएंगे, और धीरे धीरे खींचा जाएगा। अरे अरे लाइए हल्का, और लाइए स्पीड बढ़ाइए। Thank you.
जा रही। हाँ 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 लाते अभी लाते रहिए, बंद नहीं करना है, चलिए लाइए आराम आराम से, आराम आराम से। लाओ लाओ लाओ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ना रोकिएगा। बहुत सही एकदम, लाइए लाइए और लाइए और लाइए लाइए, गियर चेंज कर लीजिए। गियर चेंज करिए, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड चलते रहिए आप चलते रहिए। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड अभी इसकी 15 की चल रही है, 3 पे चल रही है। हल्का हल्का स्पीड लीजिए, हल्का बस। तो हम लोग ने यहाँ तक देखे, वहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी खींच ली है, वही वही आप खड़ी कर लीजिए। निकालना नहीं है क्या? एक वीडियो आप बना लो। हाँ एक हमारी बनाई, हम खींच ले रहे हैं, आराम से लगाइए, आराम से लगाइए। रुक जाइए रुक जाइए, रुके रुके रुके, कैसे हम न्यूट्रल कर लियो, न्यूट्रल कर लीजिएगा, आराम से खींचिएगा। तो अब जैसे भी हम I-20 को खींचेगी, ये देखिए अब जेसीबी आईडेंटिटी खींच रही है। तो हे गाइस, तो यार देख लीजिए यहाँ पे बगल में हम लोग की यार गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब जेसीबी भैया की खड़ी है और अपनी गाड़ी खड़ी है। तो थंबनेल लेना, थंबनेल हम लोग ले ली भाई, तब से परेशान कर रहे हैं। तो हमारे फूफा जी हैं, तो पहले बहुत से लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि नहीं खींच पाएंगे कोई भी, मतलब यहाँ से खींच ही नहीं पाएंगे, कि बम्पर उखड़ जाएगा, क्लच प्लेट चलेगी, यार कुछ भी यार, पहले सोच समझ के बोला करो कि गाड़ी भी पूरी दमदार है, मैंने बहुत देर तक खींची है। अब लेकिन मैं इसलिए नहीं चला रहा था क्योंकि फूफा जी चला लेते, तो मैंने उनको दे दिया, तो वीडियो भी बनाना इंपॉर्टेंट था, तो इसी वजह से मैंने अच्छे से बना लिया था। तो जिनकी जेसीबी जरा उनसे बात कर ले, उनके जरा हालचाल और उनके नाम जरा पता कर ले। अपना नाम बताइए। अतुल यादव। तो हमारे बगल में अतुल यादव भैया खड़े हैं। तो भैया आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, मतलब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और कैसा लगा हम लोग से मिलके? बहुत बढ़िया लगा। तो भैया तो एकदम जोश जोश में आए थे कि मिलके यार बहुत अच्छा लगा है भैया लोग से। तो अभी जाते हैं और पापा जी का और भी जो वहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं उनका पूरा रिएक्शन लेंगे और अच्छे से, और हमारा छोटा भाई उनसे बोलेगा, क्या बोलोगे? बिजली गाड़ी। तो चलते हैं और मिलते थोड़ी देर में। और हाँ आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे मैंने चैलेंज दिया था, अब ये नहीं कर पाओगे। हाँ और फिर और मुझे ना छोटे भाई, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे, ये बहुत कठिन संघर्ष था, आप जेसीबी को गाड़ी से खींचना इम्पॉसिबल था। और अब आराम से, अब बताओ क्या बहुत आराम से खींची। अच्छा मुझे नहीं लगता, अरे नॉट बिलीव, वीडियो आपका जब वीडियो देखेंगे तो शायद विश्वास कर पाऊँ, बहुत कठिन काम, वीडियो बहुत जल्दी आएगा आप, और फिर आपको पता चल जाएगा। भैया सबसे ज्यादा बोल लेते नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, और आप ही ने बहुत बोला ना कि हाँ बताइए, बोलिए कुछ भी बोलिए, तब भी भैया बहादुर। अगर आप ऐसा कर पाए हो तो हम सब लोग मिलकर अपने ग्राम प्रधान से, जहाँ आपने ये काम किया है, आपको एक बहादुरी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपने कम से कम हिम्मत जुटाई कुछ अच्छा ऐसा करने की, आपने गाड़ी की क्षमता जिससे पता चलेगी, एक सही मैसेज जाएगा, मनोबल बढ़ेगा लोगों का, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, आप आगे बढ़े। You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay. Won't look away.